एक ब्राह्मण था, वह बड़ा सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। वह राजा से कभी कोई याचना नहीं करता था। राजा भी उनके स्वभाव पर बहुत प्रसन्न होता था। उसे राजा के मंदिर में पूजा करते हुए 20 साल गुजर गए। उसने कभी भी राजा से कोई प्रकार का प्रश्न नहीं किया। राजा के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। राजा ने उसे पढ़ा लिखा कर विद्वान बनवाया और बड़ा होने पर उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या के साथ करवा दी। शादी करके जिस दिन राजकन्या को अपने राजमहल में लाए, उस रात्रि में राजकुमारी को नींद आ गई। वह इधर उधर घूमने लगी। जब अपने पति के पलंग के पास आई तो क्या देखती है कि हीरे जवाहरात जड़ित मूठे वाली एक तलवार पड़ी है। जब उस राजकन्या ने देखने के लिए वह तलवार म्यान में से बाहर निकाली, तब तीक्ष्ण धार वाली और बिजली के समान प्रकाश वाली तलवार देखकर वह डर गई। बार डर के मारे उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी और राजकुमार की गर्दन पर जा लगी। राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। राजकन्या पति के मरने के बाद बहुत शोक करने लगी। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझसे अचानक ये पाप कैसे हो गया? पति की मृत्यु मेरे ही हाथों हो गई। आप तो जानते हैं कि परंतु सभा में मैं सत्य ना कहूँगी, क्योंकि इससे मेरे माता पिता और सास ससुर को कलंक लगेगा तथा इस बात पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा। प्रातःकाल में जब पुजारी कुएं पर स्नान करने आया तो राजकन्या ने उसको देखकर विलाप करना शुरू किया और इस प्रकार कहने लगी, मेरे पति को कोई मार गया। लोग इकट्ठे हो गए और राजा साहब आकर पूछने लगे, किसने मारा है मेरा बेटा? वह कहने लगी, मैं जानती तो नहीं कि कौन था, परंतु उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते देखा था। राजा समेत सब लोग ठाकुर जी के मंदिर में आए तो ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखा। उन्होंने उसको पकड़ लिया और पूछा, तूने राजकुमार को क्यों मारा? ब्राह्मण ने कहा, मैंने राजकुमार को नहीं मारा, मैंने तो उसका राजमहल भी नहीं देखा है। इसमें ईश्वर साक्षी है, बिना देखे किसी पर अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं। ब्राह्मण की तो कोई बात ही नहीं सुनता था, कोई कहता तो कोई कुछ कहता। राजा के दिल में बार बार विचार आता कि वह ब्राह्मण निर्दोष है, परंतु बातों के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं देता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, तेरा वह हाथ काटने का आदेश देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ और राजा को अधर्मी जान उस देश को छोड़कर चला गया। वहाँ वह खोज करने लगा कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो बिना किसी अपराध हाथ काटने का कारण उससे पूछूं। किसी ने उसे बताया कि काशी में एक विद्वान ज्योतिषी रहते हैं। तब है उनके घर पर पहुंचा, ज्योतिषी कहीं बाहर गए थे। उसने उनकी पत्नी से पूछा, माताजी, आपके पति ज्योतिषी महाराज कहाँ गए हैं? तब उस स्त्री ने अपने मुंह से अयोग आहा दुर्वचन कहे, जिनको सुनकर वह ब्राह्मण हैरान हुआ और मन ही मन कहने लगा कि मैं तो अपना हाथ कटवाने का कारण पूछने आया था, परंतु अब इसका ही हल पहले पूछूंगा। इतने में ज्योतिषी आ गए। घर में प्रवेश करते ही ब्राह्मणी ने अनेक दुर्वचन कहकर तिरस्कार किया, परंतु ज्योतिषी जी चुप रहे और अपनी स्त्री को कुछ भी नहीं कहा। तदंतर वे अपनी गद्दी पर आ बैठे। ब्राह्मण को देखकर ज्योतिषी ने उनसे कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, कैसे आना हुआ? आया तो था अपने बारे में पूछने के लिए, परंतु पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है? जो किसी
से भी नहीं सहा जाता और आप सहन कर लेते हैं। इसका कारण है, यह मेरी स्त्री नहीं मेरा कर्म है। दुनिया में जिसको भी देखते हो, अर्थात भाई, पुत्र, शिष्य, पिता, गुरु, संबंधी, जो कुछ भी है, सब अपना कर्म ही है। यह स्त्री नहीं मेरा किया हुआ कर्म ही है और यह भोगे बिना कटेगा नहीं। अपना किया हुआ जो भी कुछ शुभ अशुभ कर्म है, वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे तो सैकड़ों करोड़ों कल्पों के गुजरने पर भी कर्म नहीं टल सकता। इसलिए मैं अपने कर्म सुखी से भोग रहा हूँ और अपनी स्त्री की ताड़ना भी नहीं करता, ताकि आगे इस कर्म का फल ना भोगना पड़े। महाराज, आपने क्या कर्म किया था? सुनिए, पूर्व जन्म में मैं कौवा था और मेरी स्त्री गधी थी। इसकी पीठ पर फोड़ा था। फोड़े की पीड़ा से यह बड़ी दुखी थी और कमजोर भी हो गई थी। मेरा स्वभाव बड़ा दुष्ट था, इसलिए मैं इसके फोड़े में चोंच मारकर इसे ज़्यादा दुखी करता था। वह दर्द के कारण यह कूदती थी तो इसकी फजीयत देखकर मैं खुश होता था। मेरे डर के कारण यह सहसा बाहर नहीं निकलती थी, किंतु मैं इसको ढूंढता फिरता था। यह जहां मिले वहीं इसे दुखी करता था। आखिर मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर त्रस्त होकर यह गांव से 10-12 मील दूर जंगल में चली गई। वहां गंगा जी के किनारे सहा वन में हरा भरा घास खाकर और मेरी चोटों से बचकर खूब सुखपूर्वक रहने लगी। लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह सकता था। इसको ढूंढते ढूंढते मैं उसी वन में जा पहुंचा और वहां इसे देखते ही मैं इसकी पीठ पर जोर से चोंच मारी तो मेरी चोंच इसकी हड्डी में चुभ गई। इस पर इसने अनेक प्रयास किए, फिर भी चोंच ना छूटी। मैंने भी चोंच निकालने का बड़ा प्रयत्न किया, मगर ना निकली। पानी के भय से ही यह दुष्ट मुझे छोड़ेगा, ऐसा कह सोचकर वह गंगा जी में प्रवेश कर गई। परंतु वहाँ भी मैं अपनी चोंच निकाल ना पाया। आखिर मैं ये बड़े प्रभाव में प्रवेश कर गई। गंगा का प्रभाव तेज बहने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से यह तो ब्राह्मणी बन गई। मैं बड़ा भारी ज्योतिष बना। अब वही मेरी स्त्री हुई जो मेरे मरण प्रत्यन अपने मुख से गाली निकालकर मुझे दुख देती और मैं भी अपने पूर्व जन्मों का कर्म फल समझकर सहन करता हूँ। इसका दोष नहीं मानूंगा, क्योंकि यह किए हुए कर्मों का ही फल है। इसलिए मैं शांत रहता हूँ। अब अपना प्रश्न पूछो। ब्राह्मण ने अपना सब समाचार सुनाया और पूछा, अधर्मी पापी राजा ने मुझ निर अपराध का हाथ क्यों कटवाया? ज्योतिष राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। इस प्रकार पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गौ थी तथा राजकुमार कसाई था। वह कसाई जब गौ को मारने लगा तब गौ बेचारी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा कि इधर कोई गाय तो नहीं गया? आपने प्रण कर रखा था कि झूठ नहीं बोलूंगा, अतः जिस तरफ गौ गई थी उस तरफ आपने हाथ से इशारा किया तो उस कसाई ने जाकर गौ को मार डाला। गंगा के किनारे वह उसकी चमड़ी निकाल रहा था। इतने में ही उस जंगल से शेर आया और गौ एक कसाई दोनों को खाकर गंगा जी के किनारे ही उसकी हड्डियां उसमें बह गईं। गंगा जी के प्रताप से कसाई को राजकुमार और गौ को राजकन्या का जन्म मिला। एम पूर्व जन्म के किए उस कर्म ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया, क्योंकि कसाई ने गौ को हसिये से मारा था। तलवार गिनने से राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस तरह अपना फल देखकर कर्म निर्वर्त हो गया। तुमने जो हाथ का इशारा रूप कर्म किया था, उस पाप कर्म ने तुम्हारा हाथ कटवा दिया है। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी अन्य का नहीं। ऐसा निश्चय कर सुखपूर्वक रहो।
कर्म फल का भोग टलता नहीं। इतना सहज है ज्ञान संयुक्त जीवन। यदि हम इस कर्म सिद्धांत को मान लें और जान लें तो पूर्व कर्तव्य घोर से घोर कर्म का फल भोगते हुए भी हम दुखी नहीं होंगे, बल्कि अपने चित्त की समता बनाए रखने में सफल होंगे। भगवान श्री कृष्ण इस समस्त के अभ्यास को भी समस्त योग संबोधित करते हैं, जिसमें दृष्ट स्थिति प्राप्त होने पर मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो फ्रेंड, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें। चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।